हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल आलू के परांठे और आलू परांठे के साथ सर्व की जाने वाली टमाटर हरी मिर्ची की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। इनको मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है और यकीन मानिए हमारे बहुत ही बढ़िया परांठे और चटनी बनने की तैयार हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार आलू के परांठे और चटनी ज़रूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने चार उबले हुए आलू लिए हैं। यह आलू को उबालने के बाद मैंने ठंडा कर लिया है। अब इनको हम हाथ की हेल्प से या मेशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। किचन का कुछ भी काम करने से पहले हाथों को अच्छे से धो लें। मैंने पराठों को बनाने के लिए नए वाले आलू लिए हैं। आप या तो नए वाले आलू लें या फिर पहाड़ी आलू लें। आप मीठे वाले आलू नहीं लें क्योंकि मीठे वाले आलू से पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। आलू के पीस ज़्यादा मोटे नहीं रहने चाहिए, इनको अच्छे से मैश कर लें। आलू को देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अभी देखिए मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है और दो हरी मिर्च ली है। इनको चॉपर से इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्च प्याज को इसी में डाल देंगे। अभी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको भी देखिए धोकर के बारीक बारीक कट कर लिया है। ये धनिया को भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच जीरा है, एक चम्मच सौंफ है, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मसालों की क्वांटिटी आप आपकी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और जो भी मसाला आपको पसंद है उसी हिसाब से आप ले लें। आलूओं को और मसालों को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी भुट्टे को तो साइड में रख देंगे। अभी देखिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। ये नमक को इसे मिक्स करेंगे। अभी देखिए मैंने हल्का से गुनगुना पानी लिया है। आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसका मीडियम से डो लगा करके रेडी कर लेंगे। आटा ना ही तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए, थोड़ा मीडियम से डो लगा करके रेडी कर लेंगे। अभी सर्दी का टाइम है, इस वजह से मैंने गुनगुना पानी लिया है, जिससे क्या है आटा इठे नहीं। अगर आप चाहो तो आटे को ठंडे पानी से भी गून सकते हो। थोड़ा पानी का हाथ लगा के आटे को बढ़िया सॉफ्ट होने तक गूंद लेंगे। ये आटे को भी देखिए मैंने बढ़िया सॉफ्ट होने तक गूंद लिया है। अब पराठों के साथ सर्व करने के लिए हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए देखिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 4-5 कली लहसुन के लिए हैं। इन सभी को मैंने अच्छे तरीके से धोकर के साफ कर लिया है। अब इनको हम जार में डाल देंगे। अभी जार में आधा चम्मच जीरा डालेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब मिक्सी की हेल्प से चटनी पीस करके तैयार कर लेंगे। अभी चटनी को किसी बाउल में निकाल लेंगे। अभी हमारे पराठों के लिए चटनी बन करके तैयार है। अब हम पराठे बना लेते हैं। अभी तसले में खुश्की के लिए थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। अब देखिए हम जितना बड़ा पराठा बनाएंगे उतना आटे का लोहे तोड़ लेंगे। इसमें हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। ये आटे का देखिए इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे। इसमें फिर से हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। अब इसको देखिए हाथ से इस तरीके से बढ़ा लेंगे। इसको हम बीच में से नहीं बढ़ाएंगे, इसकी साइड्स को बढ़ाएंगे। अब इसमें भुट्टा ऐड करेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से पैक कर देंगे। अब इसमें फिर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे।
अब इसको हम हल्के हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाएंगे। अब इसको हम हल्के हाथ से बेलन से बेल लेंगे। अगर पराठे को हम टाइट हाथ से दबा करके बेलेंगे तो पराठा क्या है, फट सकता है। ये पराठे को देखिए मैंने बेल लिया है। अब इसको हम तवे पे डाल लेंगे। तवे को हम जिस तरीके से रोटी के लिए गर्म करते हैं उसी तरीके से गर्म कर लेंगे। ये पराठे को तवे पे डाल देंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तब हमें लगेगा कि पराठा जैसे सिक चुका है तो इसको हम पलट लेंगे। ये पराठे को इस साइड से सिकते हुए करीब 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे। अभी पराठे में हम घी या ऑयल लगाएंगे तो मैंने देसी घी लिया है। घी को पराठे पे सब तरफ अच्छे से लगा देंगे। और ये पराठे को इस तरीके से दबाते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। पराठा देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम हटा लेंगे। अब मैं आपके सामने एक पराठा को सेक लेती हूँ। अब इस पराठे पे भी दोनों साइड अपनी पसंद के हिसाब से घी या ऑयल लगाएंगे और इसको भी दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ये पराठा देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे तरीके से सिक चुका है। अब इसको हम हटा लेंगे और इसी तरीके से हम सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। ये पराठों को मैंने बना करके रेडी कर लिया है। अब मैं इनको तोड़ करके आपको चेक करके दिखाती हूँ। अभी काफी गर्म है, यकीन मानिए हमारे बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर के तैयार हुए हैं। अगर आपने इनको एक बार बना लिया तो आप इनको बार बार बना करके खाना पसंद करोगे। ये देखा आपने, इस तरीके से भी हमारे कितने बढ़िया पराठे बनकर के तैयार हुए हैं। मैं इनको टमाटर और हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व करूंगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार चटनी और ये पराठे जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। वेल हाफिज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।